मालवा माटी के संत श्री वीर रत्न विजय जी महाराज के दीक्षा दिवस के 58 वर्ष पूर्ण होने एवं 59 वर्ष में प्रवेश करने पर चापड़ा नगर में जैन श्री संघ चापड़ा द्वारा भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जैन समाज जन एवं महिलाओं ने बैंड बाजों के साथ महाराज जी की नेमाओं रोड पर अगुवाई कर अभिनंदन किया। साथ ही प्रत्येक घरों पर महाराज जी का स्वागत सत्कार किया गया। श्री वीर रत्न विजय जी महाराज साहब ने 38 वर्ष तक लगातार मालवा अंचल में विचरण करके 278 परमात्माओं के मंदिर, आराधना भवन, गुरु मंदिर, गौशाला का निर्माण करके एक अद्भुत भेंट समाज को प्रदान की है। शनिवार के दिन चापड़ा में श्री वीरमणि लक्ष्मी जैन श्वेतांबर साधार्मिक भवन का लोकार्पण अनुयोगाचार्य श्री वीर रत्न विजय जी महाराज के द्वारा किया गया। साथ ही महाराज साहब ने 59वें दीक्षा वर्ष में प्रवेश करने पर क्षेत्र की अलग अलग 3 गौशालाओं में 59,000 रुपये का दान भी दिया। इस दौरान कार्यक्रम के समापन के अवसर पर बालेल परिवार द्वारा श्री वीर रत्न विजय जी महाराज एवं साधुओं का शाल श्रीफल देकर अभिनंदन किया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। परम पूज्य अनुयोगाचार्य श्री वीर रत्न विजय जी महाराज साहब का आज 59वीं दीक्षा तिथि है। उनके संयम जीवन के 59 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस अवसर पर जैन श्री संघ चापड़ा के द्वारा यह विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनकी दीक्षा निमित्त जैन श्री संघ चापड़ा के द्वारा एक भव्य मांगलिक भवन का लोकार्पण और साथ ही भगवान महावीर स्वामी के ललाट पर स्वर्ण पट्टिका का समर्पण किया गया है। समस्त जैन समाज में आज हर्ष है। परम पूज्य अनुगाचार्य वीर रत्न विजय जी महाराज साहब को उनकी दीक्षा तिथि पर परम पूज्य साध्वी अर्पित गुणा श्री जी महाराज साहब एवं विजय प्रभा श्री जी महाराज साहब भी उपस्थित थे। आसपास के समस्त जैन संघ भी यहाँ पर उपस्थित थे। इस अवसर पर संघ के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।